इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच, 15.5 साल का लड़का, इंडिया की परिस्थिति बहुत ही खराब, 22 रन के ऊपर 4 आउट, सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर और ये 15.5 साल का लड़का सचिन तेंदुलकर उसको खेलने जाता है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर नवजोत सिंह सिद्धू है। सब लोग डर रहे हैं कि भाई इसको भेजा ही क्यों अभी, जब वकार यूनिस फुल फॉर्म है और इतनी तेज गोलंदाजी, इतनी तेज बॉलिंग कि भाई वो बॉल दिखता भी नहीं था, और ऐसे बॉलर के सामने ये लड़के को भेजा ही क्यों। पहला बॉल आया, जूम करके चले गया, दूसरा बॉल आया, जूम करके चले गया, मालूम ही नहीं पड़ा, तीसरा बॉल आया सीधा तेंदुलकर के नाक के ऊपर, बहुत इंजरी हुई, खून एकदम बहने लगा, सचिन तेंदुलकर एकदम खड़े रह गया, नीचे बैठ गया। सब लोग दौड़ते आगे, हुआ क्या, इतना खून बह रहा है। उस जमाने में डॉक्टर रहता था, वो मेडिकल एड का बॉक्स लेके आता था, वो डॉक्टर एक आया, सरोडान की गोली और कुछ बैंडेज, और सब लोग बोलने लगे कि अभी इन्होंने जाके, सचिन ने जाके भी आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए पवेलियन में। नवजोत सिंह सिद्धू बोले कि तू बैठ, ठीक तो है ना, उसको पूछ रहा है वो। बोले हाँ मैं ठीक हूँ। बोले तू जाके आराम कर। सचिन तेंदुलकर कुछ क्षण रुकता है और बोलता है कि मैं खेलेगा, और वो खेलता है, इतना डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट बॉल आता है वकार यूनिस का, और बॉल के ऊपर सीधा आर पार चौका लगाता है। ये डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। इस तरह का डिटर्मिनेशन आपको आपकी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, लोग आपके रास्ते में खोड़ा डालेंगे, बैरियर डालेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, मगर आपका डिटर्मिनेशन, जिद बहुत जबरदस्त है तो आपको ये दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सचिन तेंदुलकर की ये टेस्ट दुनिया में सबको याद है, और बाद में सचिन तेंदुलकर जो नाम हुआ क्रिकेट इतिहास में वो भी सबको मालूम है। तो ये डिटर्मिनेशन, ये डेडिकेशन, ये जुनून, ये जोश आपको आपके जिंदगी में आगे लेके जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।